हाँ स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इनके जो भौतिक गुणधर्म थे, उनको अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन क्षार धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन क्षार धातुओं की अपचायक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल्स। ओके, तो देखो, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, इनकी जो रिड्यूसिंग नेचर है, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती जाती है। देखो, तुम्हें पता है कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति के मान में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण इनकी अपचायिक प्रवृत्ति का मान भी बढ़ता जाता है। देखो, जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वह धातु उतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखती है। देखो बेटा, मैं कुछ धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ले रहा हूं। देखो, एम प्लस एम, मतलब जो एम कैपिटल धातु है, वो एम प्लस आयन के विलयन में उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये अपना सीजियम। देखो बेटा, जो लिथियम है, लिथियम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, वह है -3.04। बेटा सोडियम के लिए -2.714। पोटेशियम के लिए इसकी वैल्यू है -2.925, और रूबिडियम के लिए इसकी वैल्यू है 2.930, और सीजियम के लिए इसकी वैल्यू है -2.927। तो देखो बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मानों से अपन को पता चल रहा है कि सबसे अधिक मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिकतम ऋणात्मक लिथियम धातु के लिए। इट मींस लिथियम धातु इजिल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। पूरी आवर्त सारणी में लिथियम जो धातु होता है, उसके लिए मानक अपचयन विभव का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण इसकी जो रिड्यूसिंग नेचर है, जो अपचायिक प्रवृत्ति का मान है, वह भी सर्वाधिक होता है। देखो, अगर अपने नेचुरल क्रम देखो, दो प्रकार से बेटा क्वेश्चन आते हैं। अगर गैसीय प्रावस्था में ले अपन, देखो गैसीय प्रावस्था में अपचायिक प्रवृत्ति प्रवृत्ति रिड्यूसिंग नेचर इन गैसीयस स्टेट। ओके, देखो गैसीय प्रावस्था में क्या होगी बेटा, तुम्हें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण अपचायिक प्रवृत्ति का मान भी बढ़ता जाता है। ली ना की रब से, तो गैसीय प्रावस्था में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन तत्वों की अपचायिक प्रवृत्ति या रिड्यूसिंग नेचर के मान में वृद्धि होती जाती है। देखो, एक क्वेश्चन तो एक ही यहां से आया बेटा। सेकंड जो क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है जलीय विलयन में अपचायिक प्रवृत्ति। जलीय विलयन में अपचायिक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेटा, जलीय विलयन में मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान
सबसे अधिक लिथियम धातु का होता है। देखो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था लिथियम धातु के लिए रिड्यूस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है उस धातु की अपचायिक प्रवृत्ति का मान उतना ही अधिक होता है। तो देखो अगर जलीय विलयन में रिड्यूसिंग नेचर पूछता है, वह रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन पूछता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान किसके लिए, लिथियम के लिए, किसमें, विलयन प्रावस्था में ही ऑर्डर। तो लिथियम, लिथियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद रूबिडियम, रूबिडियम के बाद पोटेशियम और पोटेशियम के बाद सोडियम। तो बेटा इन दोनों ऑर्डर को याद रखना, दोनों में नीट प्लस आईआईटी के अंदर दोनों में से क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो गैसीय प्रावस्था में रिड्यूसिंग नेचर और एक जलीय विलयन में रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, अगर एग्जाम में जलीय प्रावस्था के अंदर अपचायिक प्रवृत्ति का मान पूछा जाए तो सबसे अधिक अपचायिक प्रवृत्ति किसकी होगी, लिथियम धातु की, और यदि गैसीय प्रावस्था में अपचायिक प्रवृत्ति का मान पूछा जाए तो पूरी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत गैसीय प्रावस्था में अपचायिक प्रवृत्ति का मान सबसे अधिक होता है बेटा सीजीएम का। ओके, तो इन दोनों ऑर्डर को अच्छी तरह याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रोक्साइडो की क्षारीय प्रकृति, ये तो होगी इनकी अपचायिक प्रवृत्ति। ओके, दूसरा जो पॉइंट आता है अपने पास रासायनिक गुणों के अंतर्गत वो आता है बेटा हाइड्रोक्साइडो की क्षारीय प्रकृति, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अपना MOH, हाइड्रोक्साइडो की क्षारीय हाइड्रोक्साइडो की क्षारीय प्रकृति। हाइड्रोक्साइडो की क्षारीय प्रकृति, देखो बेटा जो ऑक्साइड से क्षार धातुओं के ये आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं और जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडो का निर्माण करते हैं, जल के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोक्साइडो का निर्माण करते हैं। जैसे कोई धातु ले लेते हैं अपन प्रथम वर्ग का, M बराबर क्या है, धातु, अगर इसकी रिएक्शन जल के अणु के साथ में करवाएं अपन तो क्या बन जाता है, देखो 2MOH प्लस क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती। तो ये एम जो OH बनता है इसको बोलते हैं अपन धातु हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ओके, देखो बेटा जो ये धातु हाइड्रोक्साइड है इनकी क्षारीय प्रकृति, जल में विलयता तथा तापीय स्थायित्व के आधार पर बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है प्रथम वर्ग के धातु हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। देखो जो MOH बना बेटा इसको बोलते हैं अपन धातु हाइड्रोक्साइड, इनकी क्षारीय प्रकृति का क्रम तुम्हें पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति के मान में वृद्धि होती जाती है। तो इनकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CaSOH। ओके, इस क्वेश्चन को याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है, क्षारीय प्रकृति, क्षार प्रथम वर्ग के धातु हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। तो सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का मान किसका होता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड का, और सबसे कम बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड का, इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया है बेटा इनकी जल में विलयता हाइड्रोक्साइडों की, हाइड्रोक्साइडों की जल में विलयता, जल में विलयता। देखो तुम्हें पता है बेटा जल में विलय होने के लिए
जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होना चाहिए। किसी भी पदार्थ के जल में विलय होने के लिए क्या होना चाहिए? जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी का मान जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी की तुलना में अधिक होना चाहिए, तभी कोई पदार्थ घुलेगा। देखो विलेयता के लिए जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है। इससे रिलेटेड बहुत बार कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रखना मेजर सूत्र। जलयोजन ऊर्जा का मान किसी भी पदार्थ के लिए जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होगा तभी पदार्थ विलेय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, तो इस सूत्र को याद कर लेना है। अब देखो हाइड्रोक्साइडों की जल में विलेयता का मान क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जल में विलेयता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ता है और जालक ऊर्जा का मान घटता जाता है। तो जल में विलेयता का मान क्या हो जाएगा इनका? विलेयता, विलेयता का मान क्या हो जाएगा? ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी विलेयता का मान बढ़ता जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है? रीजन हो ही गया इसका कि ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा का मान घटता जाता है, जिसके कारण जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, और जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है तो क्षार धात्विक हाइड्रोक्साइडों की विलेयता का मान भी बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कॉम्पिटिशन में, वो पूछा गया है इनका तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व। देखो क्षार धातु के हाइड्रोक्साइडों की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। इट मींस इनका तापीय स्थायित्व का क्रम भी यही होगा जो विलेयता का क्रम था। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन क्षार धात्विक हाइड्रोक्साइडों की तापीय स्थायित्व या थर्मल स्टेबिलिटी का मान बढ़ता जाता है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? जो विलेयता का ऑर्डर था बेटा वही इनके तापीय स्थायित्व का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। ओके, अब चलते हैं अपन जो वेरी इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी है। देखो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर अर्थात वायु के साथ इनकी क्रिया, क्षार धातुओं की नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म है बेटा क्षार धातुओं की वायु के साथ क्रियाशीलता। इसमें से बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो ऑक्सीजन के साथ में बेटा क्षार धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण होता है, जैसे ऑक्साइड, परोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आदि आदि। ओके, तो देखो ऑल जो एल्कली मेटल्स हैं लिथियम को छोड़कर ये तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेते हैं। ओके, देखो मैं एक ऑर्डर देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स द एयर, ये एम है, एल्कली मेटल्स मतलब क्षार धातु में बेटा एल एम, इसकी क्रिया करवाते हैं अपन ऑक्सीजन के साथ में। क्रिया करवाने पर क्या बनता है? M2O, है ना? इस ये कितना भी हो सकता है, कितनी भी संख्या होती हो सकती है धातु की, अगर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड। M2O को क्या कहेंगे अपन? ऑक्साइड। इस ऑक्साइड की अगर अपन जल के साथ क्रिया करवाए बेटा तो बनता है हाइड्रोक्साइड, MOH। ओके, और इस हाइड्रोक्साइड की अपन CO2 के साथ में क्रिया करवाए तो बनता है धातु कार्बोनेट, M2CO3। इसको याद रखना। और यदि इस ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाए तो बनता है बेटा M2O2, जिसको बोलते हैं अपन परोक्साइड। ओके, तो ये याद रखना ऑर्डर। क्षार धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर परोक्साइड बनते हैं,
धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और धात्विक हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर धातु कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये हैं अपने धातु कार्बोनेट। ओके, ये धातु हाइड्रोक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड। ओके, ये ऑक्साइड है और ये परोक्साइड है, ये एल्कली मेटल से मतलब क्षार धातु हैं, एल्कली मेटल्स। ओके, ये बेटा ऑक्सीजन के साथ में क्रियाशीलता का अपना क्रम हो गया है ना। अब अपना नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो आता है, देखो ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके बेटा ऑक्साइड तथा परोक्साइडों का निर्माण कर लेते हैं, है ना। सुपर ऑक्साइडों का निर्माण भी करते हैं। देखो यहां से एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, ये क्षार धातु, इसको याद रखना इस ऑर्डर को, एम प्लस ओ टू, एम बराबर क्षार धातु, ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बेटा, क्षार धातु ऑक्साइड का। फिर इनकी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एम टू ओ टू, इसको बोलते हैं अपन परोक्साइड। अब देखो बेटा ये तो है ऑक्साइड और ये है अपना परोक्साइड। ओके, क्षार धातु ये शुष्क वायु में इनके ऑक्साइड के निर्माण के कारण इनकी सतह मटमैली हो जाती है। देखो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के कारण जो ऑक्साइड बनते हैं, इन ऑक्साइडों पर ऑक्सीजन की परत जम जाने के कारण ये कैसे हो जाते हैं, मटमैले रंग के हो जाते हैं, मटमैले रंग के हो जाते हैं ऑक्साइड की परत जमने के कारण। ओके, देखो बेटा जो लिथियम है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये मोनोऑक्साइड है। इसी प्रकार सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके परोक्साइड का निर्माण करती है, Na2O2। तुम्हें पता है परोक्साइड का सूत्र ये होता है, OO, Na और Na, ये परोक्साइड लिंकेज है बीच की, परोक्साइड लिंकेज, परोक्साइड बंधन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन पूछी जा चुके हैं इनमें से। अगर क्षार धातु की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाएं अपन, तो देखो सुपर ऑक्साइड का निर्माण होता है MO2। सुपर ऑक्साइड का सूत्र एक दो बार पूछा गया है, MO2 मतलब धातु ऑक्साइड, MO2 को क्या कहेंगे अपन, सुपर ऑक्साइड। जहां पर क्षार धातु के रूप में होंगे पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, इसको याद रखना। अर्थात सुपर ऑक्साइड का निर्माण कौन कौन सी धातु करेंगे, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम। तुम्हें पता है बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर सुपर ऑक्साइडों के निर्माण की प्रवृत्ति का मान बढ़ता जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, फाइनल ऑर्डर बता देता हूं मैं। जो लिथियम है, एक तो ये धात्विक ऑक्साइड बनाता है, Li2O बनाता है। ओके, और लिथियम ही परोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, Li2O2। लिथियम जो धातु होता है वो लिथियम ऑक्साइड भी बना सकता है और लिथियम परोक्साइड भी बना सकता है। जो सोडियम है, इसी प्रकार सोडियम बेटा सोडियम ऑक्साइड भी बना सकता है और सोडियम परोक्साइड का निर्माण भी कर सकता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम एवं सोडियम धात्विक ऑक्साइड एवं परोक्साइडों का निर्माण करते हैं। ओके, जबकि पोटेशियम, रूबीडियम एवं सीजियम ओनली सुपर ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम तीनों जो एलिमेंट्स हैं बेटा ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। पोटेशियम से KO2, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ओके, इसी प्रकार बेटा RbO2, रूबीडियम सुपर ऑक्साइड, इसके बाद सीजियम सुपर ऑक्साइड। जो KO2 होता है
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसको पूछा गया है, आईआईटी में पूछा जा चुका है इसको, कौन कौन सा एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है और कौन सा परोक्साइड बनाता है। तो इनको अच्छी तरह याद कर लेना बेटा, पोटेशियम रूबिडियम सीजियम तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि लिथियम एवं सोडियम दोनों ऑक्साइड एवं परोक्साइड का निर्माण करते हैं। जो KO2 होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये नारंगी पीला क्रिस्टल होता है। जो RbO2 होता है रूबिडियम सुपर ऑक्साइड, ये नारंगी पीला होता है। जो सीजियम सुपर ऑक्साइड होता है नारंगी पीले पीले रंग का क्रिस्टल होता है। देखो एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं इनकी, सभी बेटा जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं तथा परोक्साइड प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। जो सुपर ऑक्साइड हैं, सुपर ऑक्साइड इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। अब तुम्हें पता है पैरामैग्नेटिक क्यों होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। जो KO2 होता है, ये KO2 इसको अपने ऐसा लिखते हैं K++O2-, ठीक है। अब O2 माइनस का अगर अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने अणु कक्षक सिद्धांत, अगर O2 माइनस का अणु कक्षक सिद्धांत बनाया जाए तो इसमें विपरीत बंधी अणु कक्षकों के अंदर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसकी जो नेचर होती है वो बेटा पैरामैग्नेटिक होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। तो याद रखना जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। जबकि बेटा जो परोक्साइड होते हैं, परोक्साइड जानते हो ना, जैसे Na2O2 ले लिया अपन ने, ये परोक्साइड बन गया। तो परोक्साइड में क्या हुआ, NaO, O और Na। तो यहाँ ऑक्सीजन माइनस में, यहाँ -1, -1, यहाँ +1 और +1, ओके। ये परोक्साइड लिंकेज होती है। तो देखो परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड एवं ऑक्साइड तीनों में बेटा जो धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान 1 होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें। परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड व ऑक्साइडों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का मान हमेशा +1 होता है। और तुम्हें पता है यही सही कि प्रथम वर्ग के तत्व हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बेटा +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ओके। धातु आयन का आकार बढ़ने के साथ साथ परोक्साइड तथा सुपर ऑक्साइडों का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है बेटा। तुम्हें पता है बड़े आकार का ऋण आयन बड़े आकार के धन आयन द्वारा स्थायी हो जाता है जालक ऊर्जा प्रभाव के अनुसार। ये सब चीजें तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। देखो बेटा जो क्षार धातुएं वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होती है अतः इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है, ओके। क्रियाशीलता लिथियम से सीजियम तक बढ़ती जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्षार धातुओं को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को बेटा केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वायु के साथ नमी के साथ में अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके जलने लग जाता है। तो इसको किस में रखते हैं अपन, केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं ताकि ये वायु के प्रति अक्रिय बना रहे, ओके। तो इनको ऑक्साइड को, सुपर ऑक्साइड को, एवं परोक्साइड को बेटा अच्छी तरह याद रखना है तुम्हें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो ऑक्साइड है, जैसे मैं लिख दूं यहां पर Li2O, ये लिथियम ऑक्साइड है बेटा, तो इसमें ऑक्साइड आयन क्या बनेगा, O2-, ये क्या है, ऑक्साइड आयन, कौन सा आयन ये, ऑक्साइड आयन। इसी प्रकार जैसे मैं ले लूं परोक्साइड Na2O2, तो इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, सोडियम प्लस का निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, O, आगे पीछे सोडियम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर भी -1 होता था, देखो ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 2-, तो परोक्साइड लिंकेज के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, 2-, ओके। जो सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड में कौन सी लिंकेज पाई जाती है, जैसे सुपर ऑक्साइड है अपना KO2, ठीक है बेटा। अगर K प्लस को हटा दिया अपन ने तो क्या बचा, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर, तो इनको भी ध्यान में रखना है, ओके। तो एक तो हो गया ऑक्साइड आयन, एक हो गया अपने परोक्साइड आयन और एक हो गया सुपर ऑक्साइड आयन, ओके। अब देखो ये, ओके बेटा, अब यहां के पश्चात अपन
नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यहां तक जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं अपन ने उसको ढंग से क्लियर कर लेना, इनमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ओके ओके सर, ठीक।